सुबह लोग कैसे हो, सुबह लोग तो आ गए मैं कौन नहीं उठूंगा। आज हम फिर से खेलने वाले रो फिरो माफिया वार, जिसमें क्या आपको याद होगा कि मुझे भाई यहाँ पे वार करनी पड़ती है काफी सारे माफियाओं से, मतलब यहाँ पे काफी सारे विलेंस वगैरह होते हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक साइंटिस्ट की हेल्प करी थी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया इंसान था, बट भाई उसके बॉक्सेस में बम थे, एक्सप्लोजन था, तो वो भाई काफी ज्यादा खतरनाक था। तो आज देखते हैं कि अपने को कौन सा वाला मिशन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी सारे बॉसेस तो अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी सेकंड वाले के पास जाता हूँ जो कि ये है। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस लिखा है, तो मैं सोच रहा हूँ चलते मिलिट्री बेस के ऊपर और देखते कि अपने को क्या कुछ करने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से सीधा निकलने वाला हूँ अभी मिलिट्री बेस के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि भाई हमको किससे फाइट करनी पड़ेगी और वहाँ का कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉस होगा। क्योंकि अब अगर मैं रो फिरो माफिया वार खेल रहा हूँ तो भाई फाइट करने में ही मज़ा आएगा, नॉर्मल अगर इधर उधर अपन चलते या फिर छोटे मोटे मिशन करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ फाइट अपने को चाहिए, बैटल चाहिए। तो इसके लिए मैं सीधा यहाँ से निकलने वाला हूँ मिलिट्री बेस के लिए, मुझे थोड़ी दूर और जाना है यहाँ पे। अब गन वगैरह मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा ना हो कि वहाँ जाते ही मेरे ऊपर भाई गोली चलने लग जाए, क्योंकि मिलिट्री बेस है तो भाई नॉर्मल पीपल तो वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। तो इसलिए भाई यहाँ पे मैं पहले से गन वगैरह लेके प्रिपेयर हो चुका हूँ कि जैसे ही जाएंगे भाई मारना शुरू कर देंगे अगर किसी ने अपने ऊपर अटैक किया। हम पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बट अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो फिर हम उसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे कुछ मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ ये मिलिट्री बेस पे जो कि यही वाला है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बना, वहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी है। और देखो मेरे ऊपर गोली चलनी स्टार्ट, 3 केस लग चुके हैं मेरे ऊपर अभी, 3 स्टार भाई मैं वांटेड हूँ यहाँ का, देख रहे हो ना आप बोल सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे टेररिस्ट मुझे ये मान रहे होंगे या फिर अपराधी मान रहे होंगे, बट यही जो बात है यही है भाई कि मुझे ये टेररिस्ट या अपराधी मान रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से मुझे मार रहे हैं। मैं बचूँ कैसे, अब मैं गोली तो चला रहा हूँ बट भाई ये इतने हैं, मैं अकेला, कोई बात नहीं बट हम सुपर हीरो भी तो हैं भाई, ये नॉर्मल आदमी हैं, हम सुपर हीरो हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा पावर अपने पास है ही है। ख़त्म भाई, एक गोली और इसको लगेगी, ये गया, चल ख़त्म, एक इसको भी, चल दो भी ख़त्म, एक इसको भी। भाई आर्मी के सोल्जर्स ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है इस गेम में, एक एक गोली में मर रहे हैं, और नॉर्मल पीपल को भी दो दो को मारनी पड़ती है, बट ये एक ही में जा रहे, देखो उठ ही नहीं रहे, एक बार गोली लगती ख़त्म, फिनिश, ये भी ख़त्म और पीछे और है भाई, बट ये काफ़ी सारे और मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होने वाले, मैं सबको नहीं मार पाऊँगा, ये बहुत ही ज़्यादा हैं, एक मुझे इसको मारना है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी सारे, तो मैं जो आगे की तरफ दिख रही है एक टैंक, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि अपनी हेल्थ वगैरह बढ़ा लेता हूँ, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है यार, ऐसे मैं इनके सामने थोड़ी देर तक भी नहीं टिक पाऊँगा। अगर मुझे इस बैटल को आगे तक कंटिन्यू रखना है तो मुझे यहाँ पे मेड वगैरह तो ज़रूर से ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं पैरासूट भी ले लेता हूँ, कभी अगर मुझे ऊपर कहीं से कूदना पड़ा तो मैं उसको खोल के बच जाऊँगा। अभी मेरे ऊपर गोली धनाधन यहाँ पे लगे जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ की तरफ टैंक खड़ी है, शायद अगर मैं टैंक के अंदर बच जाता तो कुछ देर के लिए मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि यार ये टैंक को गोली नहीं मार पाएंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टैंक के आपको पावर दिखाता हूँ, अब आओ ना भाई, अब आओ ना, इतनी देर से मुझे अकेले को मार रहे थे, अब मैं अकेला भारी हूँ, आ जाओ। अब भाई किसी के अंदर दम नहीं है कि टैंक के सामने आ जाए, क्योंकि भाई टैंक की पावर काफ़ी ज़्यादा है, इनमें दम नहीं है कि ये टैंक के सामने आ जाए, क्योंकि अगर आएंगे टैंक के सामने तो भाई मैं इनको मिसाइल से उड़ा दूंगा। भाई टैंक सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है यार, नॉर्मल व्हीकल्स तो भाई टैंक के सामने कुछ भी नहीं है। देखो एक बंदा ये किधर भाग रहा है, हेलो कहाँ जा रहा है तू, इधर आना, अभी तक तो मार रहा था, भाग रहे हो डर के मुझसे। भाई ये बुजदिल और कायर हैं, ये हमसे डर के भाग रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टैंक उठा ली, और इनको पता है कि भाई टैंक से इनका काम तमाम काफ़ी ज़्यादा इजली हो जाएगा, और टैंक अगर जब तक अपने साथ रहेगी ना भाई ये अपना बाल भी बाका नहीं कर सकते। बट भाई ये बम फेंक रहे अपने ऊपर, देख रहे हो ना, पहले तो सिर्फ गोली चला रहे थे, अब ये भी अपने ऊपर बम फेंक रहे, बट भाई इनके बम से भी मुझे कुछ नहीं हो रहा, देखो मेरी टैंक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मेरी टैंक के ऊपर बम पे बम फूट रहे हैं, बट भाई मेरी टैंक को कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसको भी उड़ाऊँगा, इस वाले को भी, चलो भाई मैं अभी यार काफ़ी सारों को मार रहा हूँ अब, बट मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना कि सीधा चलते हैं यहाँ पे, मैं हेलीकॉप्टर को भी उड़ा ही लेता हूँ यार, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक बेस पे हम आ गए हैं तो टैंक तो वैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, टैंक वो सीन है ना कि टैंक से अपन बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेलीपैड के पास आ चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ ना कि हेलीकॉप्टर को भी अपन उड़ा ही लेते हैं आज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे और प्लेयर हैं, इन सबको मैं मार देता हूँ जल्दी से, ये हैं, क्योंकि यार अगर ये मेरे ऊपर आ जाएंगे ना डायरेक्ट, वैसे इनका मारना भी सही है ना यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेस पे नॉर्मल पीपल अलाउड नहीं होता है, और हम यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हमको यहाँ पे टैंक तो चलाना ही था, इसके साथ साथ मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना है, और यहाँ पे मैं अभी किसी के बेस पे भी अटैक करने वाला हूँ, तो उसके लिए भाई मुझे हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी आप देख सकते हो कि मेरे टैंक में से यहाँ पे धुआं निकलने लगा है, मुझे जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठना होगा, वरना भाई ये यहीं से मुझे गोली से भून देंगे। एक तो इनको मिसाइल मार ही देता हूँ, हेलीकॉप्टर में मिसाइल ले भाई, एक हेलीकॉप्टर मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर से मिसाइल मार दी, और मैं यहाँ से सीधा उड़ जाने वाला हूँ अपने बेस की तरफ जहाँ पे मुझे अटैक करना है। तो आप देख सकते हो कि आगे की तरफ आपको भी निशान दिखेगा, यहाँ पे तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, बट भाई यहाँ की सिटी देखो आप,
कितनी ज़्यादा प्यारी सिटी यार, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे बनी हुई है। तो रो फिरो माफिया टाउन में भाई सिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, बिल्डिंगों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको पिंक निशान दिख रहा होगा, तो यही वाले पिंक निशान पर मुझे अटैक करना है। ये भाई इस वाले बॉस का अड्डा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, चाइनीज़ नाम है इसका। तो चाइनीज़ तू तो गया बेटे, तेरे ऐसी की तैसी में कर दूंगा यहाँ पे। तो चाइनीज़ की बैस उड़ा देने वाला हूँ पूरा मैं। ये इस वाले इलाके पे इसका अड्डा है भाई, इस वाले इलाके से ये इनकम जनरेट करता है। जो भी बाहर होंगे, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी, उन सबसे ये टैक्स वगैरह लेता होगा। यहाँ पे इसका राज चलता है इस पूरी सिटी के अंदर। तो अपने को वो अपने हैंड में लेना है, जैसे कि जो भी टैक्स मिले, जो भी भाई यहाँ पे जो भी छोटी मोटी जगहों से दुकान वगैरह से रेंट वगैरह लेता होगा, वो अपने को मिलेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ हो जाएगी, इसलिए मुझे ये वाले चाइनीज़ बॉस को निपटाना और इस वाली सिटी पे अपना हक जमाना है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं मारूँ कैसे उससे। चाइनीज़ बॉस तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मली अटैक करना होगा। वो खुद अपने से लड़ने के लिए आ जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो सिटी के आदमी है ना, ये उसको वैसे ही टैक्स वगैरह नहीं देते, वैसे ही पैसे नहीं देते भाई। वो चाइनीज़ इन सबको प्रोटेक्ट भी करता है दूसरे बंदों से। तो अभी मैंने यहाँ पे गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी है, मैंने मिसाइल मारने भी स्टार्ट कर दी है। मैं जैसे ही कुछ लोगों को मारूंगा, वो ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। अब वैसे तो मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ, बट भाई इनमें से आधे से ज़्यादा उसके बंदे हैं, मतलब विलन्स हैं, जो कि भाई उसके इशारे पे काम करते हैं, चाइनीज़ के इशारे पे। ये देखो कार आ चुकी है गोल्डन कलर की। अब यार वैसे तो गोल्डन कार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मुझे इसको उड़ाना ही पड़ेगा मजबूरी में। अगर मैं इसको नहीं उड़ाऊंगा तो भाई यहाँ पे अपना हक नहीं हो पाएगा इस वाली सिटी के ऊपर। चलो यहाँ पे मैंने मारना तो स्टार्ट कर दिया एक एक करके सबको, पर मुझे 4 मिनट तक यहाँ पे सर्वाइव करना है। 4 मिनट तक अगर मैं सर्वाइव कर लूँगा ना, तो अपना मिशन हो जाएगा कम्प्लीट। 4 मिनट का समय यार काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर पे हूँ, इसलिए मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी बना ली थी कि मैं इनके बेस पे अटैक करूँगा तो हेलीकॉप्टर से करूँगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर होगा तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं सर्वाइव भी काफ़ी ज़्यादा इजीली कर लूँगा। अगर मैं नीचे होता तो भाई मुझे फ़ाइट करनी पड़ती ये मेरे ऊपर अटैक करते, पर भाई ये नीचे से भी अटैक करने की कोशिश कर रही है, बराबर गोली वगैरह चला रहे हैं, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। कैसे पड़ेगा, हम इतनी ज़्यादा हाइट पर हैं भाई, इनकी एमओ इतनी ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ पा रही होगी। और मैं यहाँ से धड़ाधड़ मारे जा रहा हूँ, देखो कोई भी नहीं बचने वाला है अपने हाथ से। मैं यार काफ़ी ज़्यादा देर से मैं चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार कि वीडियो में एक छोटा सा मैं कट मार ही देता हूँ, क्योंकि यार इतने ज़्यादा मतलब 4 मिनट तक मुझे हवा में ही लहराना है अपने हेलीकॉप्टर को। मतलब मुझे कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ से सीधा बस गोलीबारी मारूंगा इनको, बस मुझे सर्वाइव करना है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा मैं उनसे बचूंगा, कोई अटैक वटैक नहीं करने वाला, जो अटैक करूंगा मैं ही करूंगा इनके ऊपर, ये कुछ भी नहीं करने वाले अपने ऊपर। बट क्योंकि यार ये नीचे है ना, अब ऊपर है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर से मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा कट भी मार दिया, जिससे आप देख सकते हो कि अभी रात हो चुकी है। अब यार मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर से सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यार अपना मिशन कब कम्प्लीट होगा। यहाँ पे 1 मिनट तो लिखा यार, बट भाई 1 मिनट होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं 4 से 5 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब से, मतलब आपको तो मैंने वीडियो में कट मार दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, बट भाई मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। और यार मैं परेशान हो चुका हूँ, मतलब ना अपने ऊपर कोई अटैक कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस मैं ही अटैक कर रहा हूँ। और बस मुझे यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाना है भाई, एक ही चीज़ कर करके मैं बोर भी हो जाता हूँ। तो बस लास्ट फाइनल यहाँ पे कुछ सेकंड और बचे हैं, मान लो 20 सेकंड के आसपास और बचे हैं, तो उतनी देर तक और मुझे सर्वाइव करना है। इसके बाद मेरी यहाँ पे विक्ट्री हो जाएगी, मैं जीत जाऊँगा, मैं ये वाले अड्डे पे अपना अड्डा हो जाएगा, मतलब इस वाली सिटी पे अपना कब्जा हो जाएगा। अपने को टैक्स वगैरह मिलेगा, काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, तो अपने को पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है रो फिरो माफिया वार में। खैर ऐसा सेम मिशन मैंने यहाँ पे GTA San Andreas में भी किया था, वो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारी जाके GTA San Andreas की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएगा। सेम ऐसा मिशन था, उसमें कुछ गैंग्स वगैरह होती थी और हमको उन गैंग को मार के उनके इलाके पे कब्जा करना था, तो वो सीजे का काम होता था San Andreas में, तो वो भी करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी विक्ट्री हो चुकी है फाइनली, और अब मुझे यहाँ पे गेट लिखा है, मतलब अब मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आसानी से टैक्स वगैरह ले सकता हूँ, मुझे पैसे की कमी नहीं होने वाली है। खैर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे माफिया है, तो मुझे सबकी सिटी पे अटैक कर करके अपने अंडर में लेना होगा सबको, जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से रह पाए, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब हम करने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि आज हमने एक माफिया का काम तमाम कर दिया। मैंने आज टैंक चलाया, हेलीकॉप्टर चलाया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और मैंने यहाँ पे मिलिट्री बेस पर भी अपना हमला किया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज गेम खेलने में। मुझे क्या बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो में आया मतलब वीडियो कर दो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब, और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जाएंगे किसी और बॉस के पास, तब तक के लिए बाय बाय।